आपको तो सुनकर हैरानी होगी, आप भारत के नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूं, इसका एक कानून है, उसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आजादी के बाद हम उसमें संशोधन नहीं कर पाए, और यही कारण है अंग्रेजों ने वो कानून बनाया था तो इस हिसाब से कि अंग्रेज भी इस देश के नागरिक हो सकें, इस हिसाब से वो कानून की ड्राफ्टिंग की गई है कि विदेश से आकर, इंग्लैंड से आकर, लंदन से आकर कोई आदमी भारत में रहने लगे और इतने साल तक रह ले तो वो भी भारत की नागरिकता का अधिकारी हो जाता है, इसलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग वैसी की थी। आज़ादी के बाद हमने उसमें थोड़ा भी संशोधन नहीं किया तो कोई भी विदेशी भारत में आके नागरिक हो सकता है, और नागरिक हो सकता है तो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है तो MP MLA हो सकता है, MP MLA हो सकता है तो मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर जो हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो आज़ादी का मखौल नहीं तो क्या? दुनिया के किसी देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। आप अमेरिका में जाएं, रहना शुरू कर दें, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो सकते जब तक आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ हो। आप कनाडा में जाएं, कनाडा के संविधान का अध्ययन करें, कनाडा के संविधान के अनुसार आप कनाडा की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते जब तक कि आपका मूल जन्म स्थान कनाडा ना हो। ब्रिटेन में चले जाइए, वहां भी यही है। फ्रांस में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, दुनिया में 200 देश हैं, लगभग 2-3 देशों को छोड़कर सभी देशों में ये नियम है कि जब तक आप उस देश की धरती पर पैदा नहीं होते आप उस देश के संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। विदेश धरती पर पैदा हुआ कोई भी आदमी भारत में आकर नागरिकता ले सकता है और इस देश के सर्वोच्च शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। कानून है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, उसमें यह व्यवस्था है। अब अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है, हम उसी को चला रहे हैं, उसी को ढो रहे हैं। 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत को गुलाम रखने के लिए 1000 साल तक उन्होंने एक व्यवस्था की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दुर्भाग्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रोविजन आजादी के 62 साल के बाद भी इस देश में लगे हुए हैं, चल रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि हिंदुस्तान आजाद हो गया। मैं आपको एक हंसी की बात कहना चाहता हूं, है वो बहुत गंभीर। आजाद हो गया तो 50 साल तक इस देश की संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, आपको याद है, 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता था। एक बार मैंने भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री को यह प्रश्न किया कि बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है, संसद तो सवेरे 10 बजे चलती है, 11 बजे चलती है, शाम को 5 बजे बजट क्यों आता है, संसद जब खत्म होने वाली होती है तो शाम को 5 बजे बजट क्यों आता है। तब उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के जमाने का नियम है। अब अंग्रेज जब इस देश की संसद में बैठते थे दिल्ली में, 1927 से अंग्रेजों ने संसद में बैठना शुरू किया, तो इस संसद में अंग्रेज बैठा करते थे, तो यहां जब शाम के 5 बजते हैं तब लंदन में सवेरे के 11:30 बजते। अब लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए MPs को भारत का बजट सुनना होता था, तो इसलिए यहां शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था ताकि सवेरे 11:30 बजे वो लोग सुन सकें। ठीक है, 1947 के पहले ये चलता था तो हमने मान लिया, 1947 के बाद 50 साल तक ये क्यों चलता रहा इस देश में, क्यों नहीं बदला हमने इस नियम को। जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मैंने कहा तो उन्होंने कहा वो तो अंग्रेजों के जमाने का नियम है, तो मैंने कहा अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि हमारे जाने के बाद भी इसे मत बदलना, हमारी अकल नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमको समझ नहीं है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुनाने के लिए होता था, अब हमारा उनसे क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। और जब ये बहस संसद में हुई तो किस दिन हुई, हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल का एक उत्सव हुआ था संसद में, आप याद करिए, रात को 12 बजे 1997 में विशेष अधिवेशन हुआ, उस समय चंद्रशेखर ने यह मुद्दा उठाया और बहुत हंगामा हुआ संसद में इस पर। तब जाकर सरकार ने यह माना कि हाँ 50 साल से हम गलती कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अब इसको सुधारा जाएगा। तो अगले साल 1998 से बजट सवेरे 11 बजे पेश होने लगा। माने इस छोटी सी व्यवस्था को बदलने में 50 साल लगा, 50 साल। सोचिए
हमारी आजादी का क्या अर्थ है। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस लगता है, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में काम करने वाले जो एडवोकेट्स मित्र हैं उनसे माफी मांगते हुए ये कह रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं, आप काला कोट पहन के अदालत में क्यों जाते हैं? क्या काले के अलावा दूसरा रंग नहीं है भारत में? सफेद नहीं है, नीला नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, और कोई रंग ही नहीं है, काला ही कोट पहनना है, और वो भी उस देश की न्यायपालिका में जहां पर तापमान 45 डिग्री 47 डिग्री 50 डिग्री हो। पचास डिग्री तो हो ही जाता होगा बैतूल में गर्मियों में, क्योंकि बैतूल तो विदर्भ के नजदीक है, विदर्भ तो सबसे गर्म इलाका है, नागपुर 50 डिग्री तो आराम से क्रॉस कर जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जिस देश में रहता हो वहां के वकील काला कोट पहनकर बहस करें तो बहस के समय जो पसीना आता है वो, और गर्मी के कारण जो पसीना आता है वो तरबतर होते जाए, और उनके कोट पर पसीने से सफेद सफेद दाग पड़ जाए पीछे कॉलर पर, और कोट को उतारते ही इतनी बदबू आए कि कोई 3 मीटर दूर खिसक जाए। लेकिन हम हैं कि कोट का रंग नहीं बदलेंगे क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको मालूम है अंग्रेजों की अदालत में काला कपड़ा पहनकर न्यायपालिका के लोग बैठा करते हैं, और उनके यहां स्वाभाविक है क्योंकि वहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 0 से नीचे, भयंकर ठंड है। तो भयंकर ठंड है, बर्फ पड़ती है, साल में 6-8 महीने बर्फ पड़ती है। इतनी बर्फ पड़ने वाले देश में जहां बहुत ठंड होती हो वहां काला कोट ही पहनना पड़ेगा क्योंकि वो गर्मी देता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और बाहर से गर्मी को खींच के अंदर डालता है। इसलिए ठंड वाले देश के लोग काला कोट पहनकर अदालत में बहस करें तो समझ में आता है, हिंदुस्तान के गर्म देश के लोग काला कोट पहन के बहस करें। 1947 के पहले होता था समझ में आता, 1947 के बाद भी चल रहा है। हमारी बार काउंसिल को इतनी समझ नहीं है क्या कि इस छोटी सी बात को ठीक कर लें, बदल लें? सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल है, हाई कोर्ट की बार काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार काउंसिल है, सभी बार काउंसिल मिलके 1 मिनट में फैसला कर सकती हैं कि कल से हम ये काला कोट नहीं पहनेंगे। वो तो भला हो हिंदुस्तान में कुछ लोगों का। हमारे देश में पहले क्या होता था ना, अंग्रेज न्यायाधीश होते थे तो सिर में टोपा पहन के बैठते थे, वो भी काला होता था, उसमें नकली बाल होते थे, पूरा टोपा लगा के अंग्रेज बैठा करते थे। आजादी के बाद 40-50 साल तक टोपा लगाकर यहां बहुत सारे जज बैठते रहे हैं इस देश की अदालत। और अभी तो यहां क्या विचित्रता है कि काला कोट पहन लिया, ऊपर से काला पैंट पहन लिया, बो लगा लिया, सब एकदम टाइट कर दिया, हवा अंदर बिल्कुल ना जाए, और फिर मांग करते हैं कि सभी कोर्ट में एयर कंडीशनर होना चाहिए। ये कोट उतार के फेंक दो ना, एयर कंडीशनर की जरूरत क्या है? और उसके ऊपर एक गाउन और लाद लेते हैं, आपने देखा है वो नीचे तक लहंगा फैलता हुआ। ऐसी विचित्रताएं आजादी के 60 साल में इस देश में दिखाई। मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी की एक भी निशानी को आजादी के 62 साल में हमने मिटाया नहीं, सबको संभाल के रखा है, सहेज कर रखा है, और हर साल अपने को मूर्ख बनाने के लिए 15 अगस्त का झंडा फहराते रहते हैं, 26 जनवरी मनाते रहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता का माने होता है अपने तंत्र की व्यवस्था में जीना। आपका कौन सा तंत्र आपने बनाया 62 साल में, बताएं ना। सब अंग्रेजों की बनाए गए नियम कानून व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि यह अंग्रेजियत की व्यवस्था जो चली आ रही है 250 साल से 300 साल से, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। आजादी के समय जब इस देश में बहुत सारे वकील हुए जो आजादी की लड़ाई के नेता थे, आप जानते हैं महात्मा गांधी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, हमारे देश में एक बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वकील थे, लाला लाजपत राय वकील थे, विपिन चंद्र पाल वकील थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वकील थे, बड़े वकील नेता इस देश में हुए। उन्होंने उस जमाने में काले कोट का बहिष्कार किया, अंग्रेजों की पोशाक का बहिष्कार किया। आपको मालूम है महात्मा गांधी अदालत में जब बहस करने के लिए खड़े होते थे एक दिन भी काला कोट नहीं पहना, और उन्होंने अंग्रेजों का टोपा भी नहीं लगाया, वो अपनी पगड़ी बांधकर अदालत में जाते थे बहस करने के लिए, भले ही जज से झगड़ा करना पड़े।
और एक बार एक अंग्रेज जज ने, जो खपती था बहुत, गांधी जी को इसके लिए सजा सुनाई थी। गांधी जी ने कहा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अंग्रेजी अदालत में अंग्रेजी पगड़ी नहीं पहनूंगा, पहनूंगा तो भारतीय पगड़ी ही पहनूंगा। सजा ली उन्होंने, उसके लिए सजा खाई। एक बार तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की नौबत तक आ गई थी, लेकिन गांधी जी पीछे नहीं हटे, और वही लोकमान्य तिलक थे, बराबर मराठी पगड़ी बांधकर अदालत में खड़े होते थे। जज उनसे चिढ़ता था, जलता था, वो कहता था कि आपकी ये पोशाक बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पोशाक तो यही है, आपको हिंदुस्तान में रहने की तमीज नहीं है, आप इस देश को छोड़कर जाइए, क्योंकि इस देश की पोशाक ही है। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के समय में जो भारतीय वकील थे उनमें इतनी हिम्मत थी कि अंग्रेजी पोशाकों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी हैट का बहिष्कार किया। लेकिन आजादी के बाद के इन वकीलों का क्या हो गया? ये क्यों नहीं बहिष्कार करते इस अंग्रेजी पोशाक का? क्यों ढो रहे हैं इस परंपरा को? मुझे दुख और अफसोस इसी बात का है। अंग्रेजी सारे कानून, अंग्रेजी सारे नियम, अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाएं आजादी के बाद भी चल रही हैं।